ये प्रभारी जो मैंने नाम बोले हैं, कहने का मतलब एक वृक्ष, एक हरा भरा वृक्ष जो फूलों से लगा हुआ था, एक ऐसी डाली जो फलों से महक रही थी, अपनी चटक दे रही थी, लेकिन इस नश्वर संसार से अपनी काया को त्याग कर वो प्रभु महावीर की मार्ग पर चली गई, हमेशा अपने धर्म के प्रति अड़िग रही, जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी आई, लेकिन अपने हौसले को कभी भी धर्म से अड़िग नहीं होने दिया। साथ मिला हमारे आदरणीय मौजी डॉक्टर महाजी का, गृहस्थी रूप की आगे गाड़ी चली, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली, क्योंकि जब धर्म का साया हो, धर्म के संस्कार मिले हो, तो वो परिवार हमेशा खुशहाल ही रहता है। लगभग 12 साल पहले हमारे बहू जी का भी निधन हो गया, वो हमारे मास्टर को छोड़कर चले गए। देखिए जितने संबंध है उतना ही है, सबसे ज्यादा संबंध धर्म पत्नी को होता है, लेकिन उस विकट समय में भी अपने आप को संभाला, अपने बच्चों को संभाला, तो खड़ा बैठी ना अपने समाज के लिए भी हमेशा से समर्पित रही। यदि जितना मंत्र परिवार का, क्योंकि इंसान को जो गुण जो संस्कार बचपन से देते हैं वो ताउम्र करते हैं। पिता श्री रूपचंद जी जैन, माता श्रीमती नानकी जी जैन सुल्तानपुर का के परिवार देखने कड़े कड़े बंदा इच्छा कर देख दे देख ला उधर करके देख ला पूरे पाबी ने भी पाबी ने आयाम स्थापित कर गई शिवपुरी समाज के लिए। आज यदि हम यहाँ पर बैठे हैं यानी शिवपुरी समाज को व्यवस्थित करने में, इकट्ठा करने में, इस महिला का कहें, इस परिवार का कहें, उल्लेखनीय योगदान है। जब लगभग 40 साल पहले हमारी ये सभा बनी, सभा के पास आरंभ भी नहीं था, तो उस समय इस लक्ष्मीबाई को या देवी को चार माताओं ने मिलकर ऐसा कीड़ा उगाया, क्योंकि शिल्पी समाज नया समाज का जो छोटे प्रभाव थे और कम घर थे, हर घर में गए, रोजाना हर घर में गए, वहां चलने के लिए अलग जगह ही कि कोई 5 रुपए दो रुपए 4 दो 500 दो रोज जाते थे। एक समाज के लिए मैं कहता हूँ वो महान कार्य था। इन्हों की जोड़ी जो थी 4 या 5 लेडीज की, वो ऐसा शिवपुरी समाज के लिए ऐसा महान कार्य कर रही कि जब तक जैन समाज शिवपुरी रहेगा, इस भव्य आत्मा को हमेशा याद करता रहेगा। तो जब भी लगभग 18-18 सालों में मेरे पूरी समाज में आते, जब भी आंटी जी से मिलना, मधुर स्वभाव, हमेशा चेहरे पर हंसते रहना, कोई बच्चा भी मिल जाए
तो इतनी वो कल्पना हम करते जाओ, इतनी आशीष लुटाते हम निहार हो जाते, इतना हम बच्चों के लिए भी उनके मन में कसले था जब हमें मिलते और पूछते बेटा मम्मी कैसी है, दादी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही माँ साहब डॉक्टर अर्चना जी महाराज शिवपुरी प्रधानी थे, उनके साथ इनके घर पर मेरा जाना भी हुआ। मैं कहता हूँ सचमुच वो शांति की मूर्ति थी, करुणा की देवी थी, गुरु जी की महाराज के सामने वो पश्चाताप कर रही थी जिंदगी का, चाहे गुरु जी की महाराज को कह रही थी पता नहीं मैंने जिंदगी में कितने पास भी होंगे, गुरु जी की महाराज बैठेंगे हाथों पे ना जो बीमार पड़े थे के अस्वस्थ तो होते थे, लेकिन भीतर से कितनी जागृति थी अपनी आत्मा की अलोना कर रहे थे कि यदि मुझसे कोई पाप हो गया है तो मैं आज बारंबार गुरु जी महाराज उनसे कमाती हूँ, मेरे को नहीं पता कि मेरी जिंदगी में कितने पाप किए होंगे। ठीक है आज परिवार दुखी है, शोक अवस्था में है, लेकिन मैं परिवार को क्या कहना चाहूंगा कि ये शोक की कड़ी नहीं, आप अपने आप को संभालिए। हमारे माता जी उस देवलोक की ओर प्रस्थान करके गई है कि वो एक ऐसी महात्मा जो अपने होशो भाव से सबसे क्षमा मांग कर रही है, अपने दिल से क्षमा मांग के गई है, ऐसी आत्मा को हमने राग में देश में नहीं मांगा तो आप परिवार को कहूंगा कि वो आपके ध्यान से बाहर नहीं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। एक ऐसी हस्ती है कि मैं एक बात बोलता हूँ दूसरी याद आ जाती है, क्योंकि हमारा शिवपुरी का ये परिवार है किसी ना किसी कारणवश रोज मिलना हो जाता है। मुझे याद है मैं परसों की बात था, पहले मैं युवक संघ की एल्बम थी वो देख रहा था, उसमें हमारे कोषाध्यक्ष कुलदीप जी की मम्मी हमारे मेहमान थी, हमारे मिसेस हम वृद्ध आश्रम में सेवा करने के लिए करा था, तो आप इनके परिवार के सामने आई क्योंकि पीयूष गौर और सब हमारे युवक संघ सदस्य हैं कि युवक संघ सेवा करने के लिए वृद्ध आश्रम जा रहा है, तो इन्होंने जो संयोग को मुझसे दिया उनकी एक भावना थी कि मैं खुद वहां जाकर वो सेवा करूंगी, तो आज भी वो पिक्चर एल्बम के रूप में मेरे पास मौजूद है। ऐसी हस्ती करता हूँ, एक बंदा जो खुद हो गया उनका शुरू हो जाता है, परिवार के किस सदस्य की बात करूं, बहुजी की बात करूं, डॉक्टर कारवाजी का, ऐसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आज के युग में ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। आप सब ने देखा होगा कैसे उन्होंने शिवपुरी समाज की सेवा की, जो स्थान करने वालों का खुद वापिस सुबह 6-6 बजे आता डेली, जो बैठे हैं जानते हैं मौली को सुबह 6 बजे आकर वो जाना अपने हाथों से सफाई करते, ऐसे मैं तो बहुत खुश होऊंगा ऐसे व्यक्तियों को जो बिना किसी जान लेख के धर्म की समाज की सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का ऐसे परिवार का पूर्ण
ਕਿੰਨਾ ਹਮਾਰੇ ਉਸ ਗੈਸ ਅਨਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਗੈਸ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਰਤੀ ਤਰਤੀ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੇ ਕਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਸੀ ਉਹਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਨੀ ਕਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲੇਕਰ ਉਨੀ ਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੇਕਰ अब ये नहीं इस परिवार के प्रत्येक नजर को देख लीजिए हमेशा स्वभाव के कारण देश के कारण हमेशा ये परिवार आगे रहता है हमारे समाज के संगठन मंत्री आदरणीय श्री कमल जी जो कि आत्म ज्ञान सोसाइटी के अध्यक्ष हैं किसी भी सोसाइटी का अध्यक्ष बनना कोई मुश्किल नहीं लेकिन उसको चलाना लगातार सेवा करना ये बहुत ही कठिन कार्य है जब से भी आत्म ज्ञान सोसाइटी बनी है ये उसके प्रधान पर है प्रधान पद पर है और ऐसे गरीबों की सेवा करते हैं राशन के रूप में पढ़ाई के रूप में क्या कोई बीमार हो जाए उसके रूप में हमेशा इनके मन में उनके प्रति क्या है कि मैं किस प्रकार समाज का जो उपेक्षित वर्ग है उसकी सेवा कर सकता हूं मैं आपको कहता हूं पुण्यशाली है कमल जी ये सारा परिवार जिन्हें अपने माता पिता से ये सुख संस्कार सेवा के लिए हैं और एक इधर अपनी हमारे बाबी संजो पिता की लगभग 18 साल ये युद्ध की संगत पर अध्यक्ष रही और जो इन्होंने मसाल कायम की एकता की सारे समाज को साथ लेकर सारे समाज के परिवारों को साथ लेकर चली ये भी एक बहुत ही सुंदर इनके कार्य की उदाहरण है समाज का कोई भी कार्य हो इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती सिर्फ इतना कहना था बाबी समाज के कार्य कर रहा ये कहते मेरी ड्यूटी लगाओ कहने की जरूरत नहीं मेरे को क्या करना है मेरे परिवार को क्या करना है आप राशि आप अपने हाथों से लेते थे नाम अपने बड़ों का बुलाते हैं ऐसे हमारे बड़े भाई श्री नितिन जी और इनके सभी भाई चाहे दिलीप जी हो रजेश जी हो सभी और हमारी शैली भाभी जिन्होंने एक सांस नहीं एक मां की भांति अपनी सासू मां की सेवा की हमेशा जब इंसान वृद्ध अवस्था में आता है तो बच्चों को ही सहारा होता है लेकिन बच्चों को भी पता है कि जिस माँ बाप ने हमें बचपन से लेकर बड़े किया हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया आज यदि वृद्ध अवस्था में हम अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनेंगे तो कौन उनका सहारा बनेगा हमारे भाभी ने हमारी सभी भाभियों ने इसके लिए एक उदाहरण पेश किया कि कैसे देखिए सेवा को हमने देखा है पीछे दो दिन का पहले भी आंटी की बहुत बीमार है तो उस समय भी बहुत सेवा की तो मैं सारे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जितना मर्जी इस परिवार के बारे में इस माँ के बारे में मैं बोलता हूँ क्योंकि ऐसे सुनहरे काम ऐसे सुनहरे अध्याय परिवार के साथ होते हैं जिसकी हमेशा युगों युगों तक शिक्षित समाज ज्ञान समाज याद करता रहेगा तो मैं अपनी बातें बीच बीच में रखता रहूंगा सरकारी गाइडलाइन भी है और समय भी इस समय अनुकूल नहीं है जो भी परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए आ रहे हैं परिवार की तरफ से
अनुरोध है और मैं स्टेट से भी अनाउंस कर रहा हूँ कि सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए एक तो डिस्टेंस बनाकर बैठी और जो भी पंजाबी भाई बहन ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर लिए हैं परिवार को हाथ जोड़ दिए हैं परिवार की तरफ से आज्ञा है कि वो धीरे धीरे जा सकते हैं। अब कई साधु साधुओं के संदेश आए हैं बोलने वालों के भी जूम मीटिंग के द्वारा भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपनी भावनाएं दिवंगत दाम्पत्य कर्मों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तरदेव लगी जी के लिए आवाज आपके द्वारा अपनी भावना हेलो आवाज आ रही सर। हेलो राजीव जी आवाज आवाज गूंज रही है। हेलो बोलेंगे आवाज नहीं जा रही हमारा माइक बंद है। मेरी आवाज आ रही साहब। हेलो आ रही है मेरी आवाज आ रही है सर। मैं स्टार्ट करा सुब्रत मैं स्टार्ट करा प्लीज। हाँ जी हाँ जी करो करो। हाँ जी हम स्टार्ट करें। हाँ ठीक है धन्यवाद। शोकाकुल परिवार बंधुओं माता और बहनों और जितने भी आदरणीय सदस्य सब बैठे हैं आप सबको सादर जय जिनेंद्र। आज जिस माँ के लिए जिस माँ को हम अंतिम भावांजलि श्रद्धांजलि देने के लिए सब यहाँ हैं उस परिवार के बारे में बहुत कुछ कहा गया यहाँ पर लेकिन एक चीज जो विशेष है कि जिस माँ ने इस संसार में सभी बच्चों को जो माँ लाई और उस माँ को बच्चों का प्यार मिला। हेलो उस माँ का इस तरह जाना कि आज हम उस माँ को कोविड के समय में उसके ना तो हम अंतिम दर्शन कर सके और श्रद्धांजलि भावांजलि देने के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा। इस परिवार की धर्म के प्रति आस्था समाज के प्रति इनका लगाव वो सराहनीय है क्योंकि कमल भाई साहब योगिता भाभी से मेरा बहुत निजता का संबंध है। इस परिवार के साथ बहुत नजदीक से मैंने इनको देखा है। धर्म के और समाज के प्रति इनका जो लगाव है या वो ये कार्य समाज के प्रति समाज के कार्य करते हैं लोगों की भलाई के कार्य करते हैं मैंने पिछले साल भी इनका जो कार्य करने का तरीका है वो देखा है कि किस तरीके से अपने आप को जोखिम में डालकर अपनी जान को जोखिम में डालकर घर घर इन्होंने पहुंच रखी और जितने भी
परिवार उस समय वंचित हो गए थे किन्हीं चीजों से, उनको सहायता दी। पिछले क्या कार्य किए, लेकिन वर्तमान में जो कार्य किए हैं वो भी सराहनीय हैं। और ये शिक्षा जो दी इनको इनकी अपनी जो माँ है उसके द्वारा दी गई, क्योंकि वही संस्कार उन्होंने संजोए और वही संस्कारों को लेकर इनके बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं। मेरे भाई जितने भी हैं सब आगे बढ़ रहे हैं। मन तो बहुत था कि मैं यहाँ आऊं और आकर अपनी संवेदनाएं प्रकट करूं, लेकिन कुछ मेरे ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं भी घर से नहीं निकल रहा, लेकिन मन परिवार के साथ है। और तकलीफ इस बात की है कि उस माँ के हम अंतिम दर्शन नहीं कर सके, खासकर मैं कमल भाई साहब जो कि मेरे बहुत नजदीक हैं और वक्त वक्त पर मुझे हर चीज का दिशा निर्देश वो देते रहते हैं कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, क्योंकि ऐसे साथी जो बिना किसी, पंजाबी में कहते हैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चीज की इच्छा से वो मेरे साथ हमेशा हैं और मेरा मार्गदर्शन उन्होंने किया है। तो मैं आज इस दुख की घड़ी में कमल भाई साहब और सारे परिवार का, सारे भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया। और इस दुख की घड़ी में माँ के जाने पर, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, माँ चाहे सुख में रहे चाहे दुख में रहे, आप गीले में रहती है लेकिन बच्चों को हमेशा सुख की सांस देती है, सुख का आशीर्वाद देती है। और माँ का चले जाना ये बहुत बड़ी दुखदाई बात होती है। जिनकी माए हैं मैं उनको कहूँगा कि अपनी अपनी माँ को संभाल के रखो भाई। ये माँ बाप दुनिया का हर रिश्ता मिल जाता है, पैसा धन दौलत सब कुछ मिल जाती है, लेकिन माँ बाप जिन्होंने हमें जन्मा है वो कभी नहीं मिलते। अगर वो रूठ जाएं या वो इस दुनिया से चले जाएं तो बहुत बड़ा एक स्थान जिंदगी में खाली हो जाता है। माँ बाप से बड़ा और उनसे बड़ा उपकारी और उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं। ये बहुत बड़ी विडंबना होती है, क्योंकि माँ बाप का जाना बच्चों के लिए बड़ा दुखदायी होता है। जो बच्चे माँ बाप के साथ चलते हैं ना, उनकी सेवा करते हैं, उनके पास रहते हैं, उनके चरणों में रहते हैं, उनके हाथों का स्पर्श महसूस करते हैं, उनके लिए माँ बाप का जाना बहुत बड़ा दुखदायी, दुख का कारण होता है। और आज हमारे समाज में से एक ऐसा व्यक्ति चला गया, ऐसी माँ चली गई जिसकी कि हम सबको जरूरत थी, परिवार को तो थी। बस यही भावना भाता हूँ कि उस माँ का आशीर्वाद परिवार पर बना रहे, समाज पर बना रहे। बस इन्हीं भावनाओं के साथ इस दुख की बेला में मैं शारीरिक तौर पर तो परिवार के साथ यहाँ नहीं हूँ, लेकिन दिल से, दिमाग से, हर तरह से मैं परिवार के साथ हूँ। और बस यही भावना भाता हूँ कि परिवार को इस माँ के जाने के दुख की सहन करने की शक्ति मिले, क्षमता मिले। और हर गुरु भगवंत तो आपके साथ है ही, हर गुरु भगवंत ने आपकी कार्यशाली, आपके परिवार की कार्यशाली देखी है। बस यही कहना चाहूंगा कि उनके अंतिम समय में, उनके आज इस आखिरी श्रद्धांजलि भावांजलि सभा में मैं उनको शत शत नमन करता हूँ, याद करता हूँ। और अपने परिवार की तरफ से लाला चुरुमल दविंदर कुमार जैन नवांशहर लुधियाना परिवार और ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस, हमारे वरिष्ठ जो अध्यक्ष हैं श्रीमान पारस जी मोदी, महेंद्र जी पगारिया और हमारे जो वरिष्ठ हैं ट्रस्टी दल के मेंबर हैं श्रीमान रजिंदर जी कीमती, उनकी तरफ से भी, उनके परिवार की तरफ से भी, और अपने युवा साथी और वर्तमान में हमारे आने वाले अध्यक्ष श्रीमान अरुण जी गुगु और तमाम ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के जितने भी हमारे पंजाब के 14 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनकी तरफ से, पंजाब जोन 2 की तरफ से सबको, मैं सबकी तरफ से उस माँ के चरणों में नमन करता हूँ। जय महावीर, ओम शांति, ओम शांति। तो मैं
लेकिन समय ऐसा है कि एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अमन जी, अमन जैन पार्टी परिवार लोक संघ के चेयरमैन है। चलो जब तक उनसे नहीं हो सकता, कभी का जब हम आए जगत में, कबीरा जब हम आए जगत में, जब हमसे अमर हुए, जब हमसे हम हमसे जब हुए, कबीर ने कहा कि जब हम जगत में आए समाज के लिए कि सब अपने जात करें, सब के आंखों में और हम नंबर ही नहीं जो हो रहा उ जाना तो संसार में हर एक होना जब गए हैं यहाँ से, तो अपने पीछे
किसी छोटी सी छोटी पत्ती भी धर्म के साथ लगी है, इसका छोटा छोटा फूल भी धर्म के साथ लगा हुआ। मैं देव को यही कामना करता हूँ कि मैं इस समय काम करें। मैं अपने परिवार श्री बसंत रोहित कुमार जी को हेलो 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 हाँ जी, सर्वप्रथम श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी पहुंचे हुए मान भावुभावों को मेरा जय जिनेन्द्र। कल व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला कि हमारे आदरणीय विपन भाई साहब के मदर हेमपंती जी क्या है, ये सुनकर मन को बहुत आघात लगा। बहुत ही धर्म परायण माता जी, ये परिवार का ही ये संस्कार था भी कमल भैया विपन जी सारा परिवार हर समय धर्म के कार्यों में तत्पर है। जब मर्जी इनको कोई भी धर्म का कार्य कहा जाए तो 2 मिनट के अंदर ही सारा परिवार तैयार हो जाता है। ये सब माता पिता का आशीर्वाद और गुरुओं का आशीर्वाद ही है। बाकी राजीव भैया ने परिवार की सारा कुछ व्याख्यान कर ही दिया है, मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ यही कहना चाहूंगा कि हमारी गुलाबो देवी माता महिमावंती जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दादी गुलाबो देवी जैन पाटनी परिवार संगठन के संरक्षक बाबू जैन जी, हमारे प्रधान श्री नरेश जैन जी, हमारे उप प्रधान विपन भैया और सेक्रेटरी संजीव भैया जी की तरफ से, दादी गुलाबो देवी जैन नवयुवक मंडल की तरफ से, सभी अपने हमारे परिवार लाला कस्तूरी लाल लालचंद जैन पाटनी परिवार की तरफ से परिवार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और इन्हीं भावों के साथ ओम शांति ओम शांति ओम शांति। लेकिन
वो थोड़े से अस्वस्थ है, वो करीब स्थिति में है। तो उन्होंने कहा था कि राजीव जी मेरी तरफ से भी दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर देना। तो मैं वो जो आज सारे शब्द हैं वो सारे प्रार्थना जी के हैं, हमारे डॉक्टर साहब के हैं। तो आज हम की तरफ से भी दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ। अभी अभी हमारे बड़े राजा जी ने मेरे को कहा, मैंने बात को पहले भी कह दी थी, कहते एक बार फिर शुरू कह दो कि जो सेवा सब पुत्र पत्नियों ने बच्चों ने बेटों ने की, लेकिन जो शैली भाभी ने उनकी सेवा की वो अतुलनीय सेवा है, जो उन्होंने बिना किसी इतने प्यार से देखे बुजुर्गों की सेवा को सब ढंग से करनी है, लेकिन जो सेवा उन्होंने की उनके मन में भी हमेशा हर टाइम जब देखेंगे उनकी तस्वीर नजर आएगी चारों तरफ। वो शैली भाभी ने जो उनकी सेवा की, ये भी साधु भाव के पात्र है सारा परिवार। पर उस देवी की जो प्रभु के चरणों में जा राजी है, उसकी कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, यही हमारी शक्ति उनके चरणों में श्रद्धा पुष्प है। साधु साधुओं के साथ भी इस परिवार का बहुत संबंध था। तो साधु साधुओं ने भी परिवार के प्रति संवेदनाएं इस दुख की घड़ी में हौसला बढ़ा है। आचार्य भगवान मुझे शिवगुरु जी महाराज ने भी परिवार के लिए संदेश भेजा है कि कमल जी आप बड़े हैं, आप उत्तर ज्ञान से बाहर आए, अपने भाइयों को भाइयों को बच्चों को इस शोक की घड़ी में उभरने में आप उत्साहित करेंगे। और आगम प्राता उपाध्याय प्रबंधक देव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उन्होंने भी परिवार के साथ संवेदना प्रकट की है। जगराव से मां साधवी श्री सुनीता की शोकी महाराज, जिनके यहाँ पर चार चार प्रवास हुए, परिवार के साथ बहुत ही निकटतम संबंध थे, उन्होंने भी परिवार के साथ संवेदना प्रकट की है, परिवार का हौसला बढ़ाया है। तो मैं और भी कई संस्थाओं के आए हैं, तो मैं दिवंगत आत्मा के चरणों में आप जितने भी भाई बहन आए हैं या जूम मीटिंग के द्वारा इस रस्म पकड़ी को देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, उन सभी की तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में शत शत वंदन करते हुए सभी की तरफ से श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ। शिवपुरी के अध्यक्ष हमारे संकर्ण भाई जी जो सभी जहाँ बैठे हैं, उनकी तरफ से हमारे सारे समाज की तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन, श्रद्धा के पुष्प। ऐसा क्या महासभा पंजाब उत्तरी भारत के अध्यक्ष सतगुरु जी बिट्टू, उनका सुबह उठाया था कि मेरी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित कर देना। महासभा की तरफ से मैं श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ। वर्तमान ज्ञान युवक संघ के अध्यक्ष और जी और उनके संस्था की यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी तरफ से भी ज्ञान मिलन संघ के अध्यक्ष श्री जीवन जी और उनके साथियों की तरफ से भी, युक्ति संघ की तरफ से भी आतंक ज्ञान सोसाइटी के उनके पूज्य अध्यक्ष हैं कमल जी, उनके साथी भी बैठे हैं, उनकी तरफ से भी ज्ञान युक्ति संघ अपने चरणों में स्थान दे। और जो उन्होंने इस काल में इस मनुष्य जीवन में सेवा किया है उसके लिए उन्हें मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्थान करने के लिए हमेशा के आज के लिए हमारी बहनी उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है। और वो भी अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखते हैं। और अब मैं रसम पकड़ी के लिए जो भी सदन के जन निकट जन पकड़ी लेकर आए हैं उनको कहूंगा कि
दादी गुलाबों ने भी चैन पार्टी परिवार संगठन एस आई जैन सभा शिवपुरी आत्म जैन सोसाइटी समाज श्री रूपचंद जी जैन द्वारा जगराओ यूएसपीसी हॉस्पिटल सुंदरनगर शुगर धाम श्री सुमन मुनि जी महाराज समाधि स्थल मोतीराम जी महाराज गौशाला बाबा बोमिया जी बोमिया जी सुल्तानपुर लुटी कैल लुटी संक्षिप्तपुरी वर्धमान कैल लुटी संक्षिप्तपुरी सेवादार मिश्रा सेवादार मिश्रा जी तो जिन जिन संस्थाओं के भी इन्होंने नाम बोले हैं यदि उनका कोई मदद कर उनका आया है तो हमारे समाज के अध्यक्ष श्री मुनि जी उनकी तरफ से उनसे वो पापा देखा जा सकते हैं जो भी भाई बहन यहाँ पर परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं उन सभी का मैं परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उनके लिए भोजन की व्यवस्था रिश्तेदारों बंधुओं संबंधियों के लिए सामने क्या स्थान रखा है वो ग्रहण करते जाए श्रीमती रीचा सदी जैन उनकी प्रतियोगी का भी पीओ जैन महिला मंडल की अध्यक्ष भी है कई जगह पर वो कार्यरत है तो उनकी तरफ से मिला है दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा का पुष्प रखता हूँ और एक बार फिर परिवार के प्रति दिवंगत आत्मा के चरणों में सहानुभूति प्रकट करता हुआ उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ ओम शांति ओम शांति ओम शांति परिवार वाले पहले आगे जाएंगे थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें ये बोलिए श्री शाम के नाम पर भगवान की जय Okay.